लूटा चोरी के विभिन्न मामलों में वांछित अपराधी को चौरी चौरा पुलिस ने अपने गिरफ्त में लेने में सफलता पाई है। पकड़ा गया अभियुक्त प्रविंद चौधरी 23 मई को गौरी बाजार के पीएनबी से 50,000 रुपए निकालकर जा रहे रामधनी यादव से लूट की थी, जिसका मुकदमा चौरी चौरा के थाने में दर्ज किया गया था। लूट के खुलासे के लिए एसएसपी के निर्देश पर सीओ चौरी चौरा और थाना प्रभारी को लगाया गया था। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर चौरी चौरा थाना क्षेत्र के मिर्जबा बाबू गांव के पास बनी पुलिया पर पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 12 बोर का एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 8,300 रुपए नगद, वादी का बैंक पासबुक, पैन कार्ड बरामद किया है। मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया, तो सोनभद्रा की तरफ जब जाते हैं कौन सी क्या बाइक है, पैसे उसका नाम बता रहा है, तो दो लोग थे बाइक सी थी, वो बाइक उसके पास है, जो बूढ़े आदमी से गौरी बाजार से पैसा निकाल के 50,000 रुपये ले थाने की तरफ आया, यहाँ से फिर बाइक निकाल इधर चोरी वाला सामान देख जेल गया पहले थाना चौरी चौरा में 23 मई को 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गौरी बाजार से 50,000 रुपये बैंक से निकाल के आ रहे थे। जब वो थाना चौरा चौरे क्षेत्र में आए तो पुलिया के ऊपर 2 बदमाश मोटरसाइकिल से जा रहे थे, काले रंग की पल्सर थी, और उन्होंने जो बीच में वृद्ध आदमी बैठे हुए थे उनके हाथ से 50,000 रुपये छीन लिए थे और उसके बाद वो बैग लेके वो भाग गए थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जो अपराधी थे उनकी धरपकड़ के लिए इसमें उनको सीसीटीवी फुटेज और अन्य सर्विलांस के माध्यम से इसमें पता किया गया, तो इसमें 2 अभियुक्तों के नाम इसमें सामने आए, जिसमें कि ये दोनों अभियुक्त पहले भी चौरा चौरी क्षेत्र में लूट की घटनाएं कारित कर चुके थे। इसमें से एक अभियुक्त जो परविंदर है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से इसमें जो बैंक में जब लूट हुई थी, जो बैंक से जब बाहर आए थे लूट हुई थी, उसमें कुछ कागज जो डॉक्यूमेंट्स उस बैग में रखे हुए थे वो इसकी निशानदेही पे बरामद हुए हैं और लूट के लगभग 9,000 रुपये बरामद हुए हैं। और दूसरा जो अभियुक्त है वो भी फरार है, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है और जो लूट की बाइक है और जो अभियुक्त है उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने मामलों में और वांछित है ये, इसमें जो वर्तमान में अभियुक्त गिरफ्तार किया गया इसके ऊपर 2 मुकदमे पहले से हैं और थाना खोराबाड़ से ये डकैती के मुलजिम में उसमें भी वांछित चल रहा है और जो अन्य अभियुक्त जो डेविड है उसको भी उसके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे हैं और ये चोरी में भी चोरी के मामलों में भी पहले जेल जा चुके हैं और एक चोरी की जो वारदात 2017 दिसंबर की है उसका भी खुलासा हुआ है, जिसमें चोरी में गए जो LIC के कुछ पेपर्स हैं वो इसके पास से घर से तलाशी के दौरान बरामद हुए हैं।